नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में जैसे कि आप लोगों को पता है हम देखो जो आपका एस एस पढ़ने की बुक थी ना उसको कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर फोर्टीन जो आपका क्या था राजनीति एवं समाज तो इसी को देख रहे थे इसमें हम पहला तो, जो हम हमारा पहला टॉपिक था राष्ट्र व राष्ट्रवाद उसको हमने देख लिया उसके निर्माण चुनौतियाँ वो सब देख लिया समझ लिया अच्छे से काफी डिटेल से देखा था आज हम देखेंगे भारत में लोकतंत्र ठीक है इस टॉपिक को कवर करेंगे देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा भी टॉपिक है आपको आराम से समझ में आ जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका ठीक है अब देखो यहाँ पे कहा जाए लोकतंत्र उसको कुछ डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि बोला जाएगा वही आजादी के बाद हमने जो देखो लोकतंत्र को अपनाया था डेमोक्रेसी को अपनाया था तो यहां पर लोकतंत्र क्या है वो बताने की कोशिश की जा रही है तो बोला जा रहा है कि लोकतंत्र जन प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुनाव करके संसद में भेजा जाता है जहां बहुमत के आधार पर बनी सरकार देश में शासन का, का कार्य करती है कहने का मतलब कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करने की एक व्यवस्था है जहां पर जनता जो कि कुछ प्रतिनिधि को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू और ये प्रतिनिधि जो कि चुन के जाते हैं संसद में जहां पर जो कि देश के देश इसके ऊपर शासन का काम करते हैं वहाँ पर कुछ पॉलिसी वगैरह अपने लाओ वगैरह लाते रहते हैं तो ये बताया जा रहा है इस तरह से किस तरह से जो कि लोकतंत्र काम करता है फिर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में शासन हेतु संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों को रखा गया है जिससे जनता पर शासन जनता की इच्छा के अनुसार उसी के द्वारा चुने के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए इस वजह से जो देखो भारत जो कि संसदीय लोकतंत्र को रखा गया है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लोकतंत्र की डेफिनेशन बताने की कोशिश की जा रही है जो शायद अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक अच्छे से प्रॉपर तो चलिए आपको बेहतर समझाने के लिए कुछ और डेफिनेशन की बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है लोकतंत्र की दो बहुत ही सुप्रसिद्ध परिभाषाएं एक तो आपका गैटेल का है दूसरा अब्राहम लिंगन का राइट यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जैसे गैटेल बोलते हैं लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है ठीक है यानी जो आप सत्ता करते शासन करते उसके प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार होता है एक इस तरह की सरकार होती है ये गैटल बताते हैं और साथ ही देखो अब्राहम लिंगन का जो कि काफ़ी फेमस कोट है लोकतंत्र देखो क्या है जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है तो ये देखो इन शॉर्ट आपको लोकतंत्र समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी दिम, ये दो आपके इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन है दोनों आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में चलिए चलते अपने बुक की तरफ फिर से उम्मीद है आपको लोकतंत्र की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी अब देखो अब बताया जाए जो भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था है उसको उसको प्रभावित करने वाले कुछ परंपरागत तत्व है मतलब वो देखो डेमोक्रेसी जो हमारी उसको प्रभावित करते हैं क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपका भारतीय लोकतंत्र है ना उसमें देखो क्या होता है उसका मूल तत्व क्या है सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बल देना स्वतंत्रता की बात करता है सामाजिक न्याय की बात करता है शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है ठीक है सामान्यतः देखो ये जो सभी टर्म या मूल्य आदर्श है ना ये परंपरागत समाज तत्वों के विपरीत होते हैं इस वजह से

जो वर्ग होते हैं उनको देखो राजनीति सहभागिता से रोकते हैं उनको राजनीति में सहभागी नहीं बनाते इसके लिए वो सब तरह के प्रयोग का साम दाम दंड बल जो भी होता है हर तरह का प्रयोग कर लेते हैं उनको राजनीति में सहभागिता नहीं लेने देते हैं तो फिर साथ ही देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका पित्त सत्तात्मक जो पित्त सत्तात्मक विचार है ना उसने देखो जो महिलाओं की सहभागिता है उसका विरोध किया है यानी लिंग समानता का विरोध करते हैं ये हमेशा महिलाओं को केवल घर के तक घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं इसलिए देखो महिलाओं को राजनीति में सहभागिता को इसने विरोध किया है जो कि आपका लोकतंत्र के विरुद्ध देखने को मिलता है फिर साथ ही देखो एक है परिवारवाद परिवारवाद के कारण राजनीति में योग्यता का जो महत्व है वह द्वितीय हो गया है और राजनीति में विशिष्ट परिवारों का ही प्रभुत्व बनता चला जा रहा है फिर नेक्स्ट फैक्टर ने, ने क्या है आपका धार्मिक रूढ़िवाद धार्मिक रूढ़िवाद एवं परिवर्तन विरोधी शक्तियों ने नवीनता का विरोध करके सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि किया है जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरह की चीज़ें घटनाएं नहीं होनी चाहिए साथ ही अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव इसके कारण भी देखो एक राष्ट्र के प्रति चेतना का निर्माण नहीं हो सका है लोगों के अंदर जो कि एक लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए लोकतंत्र के आधार पर जो सरकार सवाल पूछे इस तरह की चीज़ें जो कि नहीं देखने को मिलती है आज देखो कहीं भी चुनाव वगैरह होते हैं तो क्या होता है राजनीति में इस तरह का होता है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है वो देखो शराब का वितरण करके ठीक है पैसों का वितरण करके जो कि वोट खरीदने का काम करते हैं जबकि अगर देखो देखो अगर लोग जो शिक्षित होते हैं जागरूक होते हैं राजनीतिक रूप से तो वो इस चीज का नहीं लेते बल्कि वो जो कि विकास की बात करते बोलते कि अगर आप हमारे विकास लाएंगे तभी हम आपको वोट वगैरह देंगे इस तरह की बात करते हैं लेकिन ये हमको देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो ये भी एक जो कि समस्या है लोकतंत्र के लिए साथ ही देखो आर्थिक विषमता एवं गरीबी इसके कारण लोग जो देखो राष्ट्र निर्माण में लोगों की सीमित हो जाती है गरीबी ही है तो वो अपना दो वक्त की रोटी जुटाने में सोचेगा पूरा दिन भर या फिर वो देश के निर्माण में अपनी भागी लाने की सोचेगा है ना तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि आपका गरीबी के कारण भी जो कि लोग जो कि अच्छे से देखो आ, जो दे, आपके राष्ट्र के लोकतंत्र है उसमें सहभागिता नहीं निभा पाते हैं तो ये कुछ फैक्टर यहाँ पे बताया कि परंपरागत तो जिसके कारण देखो लोग जो कि लोकतंत्र में जो कि लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं अब ये जो परंपरागत तत्व थे जो आ, अफेक्ट करते हैं लोकतंत्र को उसका मूल्यांकन यहाँ पे किया जा रहा है तो देखो यहाँ बोला जाए कुछ एक तत्व बाधक होने के साथ साथ लोकतंत्र को ये जो परंपरागत तत्व है वो एक तरह से देखो मजबूत भी करने में भी सहायता करते हैं जैसे बोला जाता है जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था जो जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत असमानता व भेदभाव पर आधारित है जातिवाद के रूप में जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधक रही है वहीं ये देखोगे यह जाति आधार पर लोगों में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करने संगठित करने संगठित एक तरह से जाति हित समूह बनाने में तब्दील करने में साथ ही जाति हितों का संवर्धन करके मंत्रिमंडल में जाति आधार पर सभी जातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को सुदृढ़ सुदृढ़ीकरण का कार्य भी करता है यानी जो हमारा जो जाति व्यवस्था वो लोकतंत्र को एक तरह से बाधक तो करता है लेकिन एक तरह से देखो जो जातियाँ निम्न जातियाँ उनमें भी राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करके एक तरह से उनको एक तरह से हित समूह की तरह जो कि सामने खड़ा किया है और उनका देखो मंत्रालय में भी गठन वगैरह विभिन्न जातियों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके इस तरह की भी व्यवस्था देखने को हमको मिली खासकर यूपी बिहार में आप देखोगे तो वहाँ पर जाति आधार पर काफी ज्यादा जो कि राजनीति वगैरह होती रहती है तो इस तरह से एक फायदा भी बताया जा रहा है कि जो जाति जाति है भारतीय समाज में वो देखो लोकतंत्र को एक तरह से मजबूत भी कर रहा है से देखो क्या बात की जा रही है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली को बाधित करने वाली समकालीन परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रभावित करती है तो इसमें देखो पहला पॉइंट क्या निकल रहा है आपका सामाजिक एवं आर्थिक विषमता इसके कारण लोगों की सहभागिता जो कि सीमित हो गई है देखो जब जो ज्यादा गरीब लोग है वो देखो राजनीतिक सहभागिता कम करना चाहता है अपना भरपेट पेट या अपने परिवार का पालन पोषण पहले करना चाहता है इस वजह से जो कि उसकी राजनीतिक सहभागिता के अवसर जो कि सीमित होते जा रहे हैं साथ ही देखो गरीबी बेरोजगारी कारण अधिकांश लोग जो देखो जीवन

हमारे समाज में देखने को मिलती है साथ ही भाषावाद और क्षेत्रवाद तो जैसी समस्याएं जो भारत की एकता और अखंडता पर सवाल क्वेश्चन उठाती रहती है जो भारत के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से कमजोर करने की कोशिश करती है इसके अलावा देखो परिवारवाद परिवारवाद के कारण देखोगे तो योग्यता की अनदेखी कर समानता के सिद्धांत का दरकिनार कर दिया जाता है यानी जो योग्य व्यक्ति है उसको नहीं लाया जाता है बल्कि जो परिवार जिसका परिवार चला आ रहा है राजनीति में उसी के परिवार को भले वो योग्य ना हो फिर भी उसी को जो कि राजनीति में खड़ा कर दिया जाता है इसके कारण भी देखो हमारा लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है साथ ही देखो भ्रष्टाचार वर्तमान समय देखो देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो करप्शन वगैरह हो रहा है जिसके कारण करप्शन के चलते जनता का लोकतंत्र में विश्वास हटने लगा है इसी वजह से देखो जनता जो कि ज़्यादा लोकतंत्र

जो जन सामान्य है उनका जो कि विश्वास घटता जा रहा है यानी कि जो बाहुबली हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध किए हुए हैं उन पर जो कि बहुत सारे केस है, फिर भी वो देखो सत्ता में आ जा रहे हैं वो देखो एमपी बन जा रहे हैं एमएलए बन जा रहे हैं तो ऐसे बाहुबल लोग जो कि आ जा रहे हैं आपके राजनीति में इसके कारण देखो जो आपका लोकतंत्र ना वो प्रभावित क्योंकि ये देखो ये ये जो एम पी एम एल ए है ना यही आगे चल के कानून बनाएंगे और ये ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाएंगे जो इनके ऊपर जो कि खतरा का संकट संकट उत्पन्न करे तो ये ऐसे ही कानून बनाएंगे जो ताकि ये जो अपराध किए उससे ये बच सके तो ये देखो हमारे लोकतंत्र के लिए कतई भी सही नहीं है तो आप देखो राजनीतिक अपराधीकरण अभी देखोगे तो लगभग जितने एम पी है ना हमारे वर्तमान समय में फोर्टी टू परसेंट ऐसे एम पी एम एल ए हैं जिन पर कोई ना कोई केस चल ही रहा है और इसमें से फिर देखोगे 28 परसेंट ऐसे हैं जिन पर जो कि संगीन आरोप है जैसे मर्डर वगैरह का इस तरह के जो कि संगीन आरोप भी है तो इस तरह से देखोगे हमारा लगभग आधा जो एम पी है आधे से कम वो कहीं ना कहीं किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं फिर साथ ही देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के बढ़ती उदासीनता को भी लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है तो ये कुछ हमारे वर्तमान समय में सम, लोकतंत्र के लिए समस्या या जो भी प्रॉब्लम है उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है दस ग्यारह पॉइंट में बताया गया अब देखो यहाँ पर बोला जाए कि लोकतंत्र के प्रकार एवं अप्रकार राइट तो देखो यहाँ बताया जाए कि लोकतंत्र आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में इसने कई उपलब्धियों को हासिल किया है पिछले सत्तर वर्षों में तो आप देख देते कौन कौन सी इसकी उपलब्धियाँ रही हैं कैसे इसका प्रकार रहा है तो बोला जा रहा है कि इसने बहुत हद तक देखो समतामूलक समाज की स्थापना करने में सफल रहा है और इसने यहाँ बताया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि की है समाज के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की बढ़ चढ़कर सहभागिता को देखा जा सकता है तो ये किसके कारण हो रहा है लोकतंत्र के कारण ही हो रहा है साथ ही इसने देखो आर्थिक असमानता को भी कम किया है और निम्न कम करते हुए जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया है इसके अलावा देखो बोला है जो आपका लोकतंत्र उसने देखो व्यक्ति स्वतंत्रता को भी स्थापित किया है फिर चाहे वो विवाह के निर्णय हो या फिर परिवार हो या जाति व्यवस्था हो हर जगह देखो कि जो का स्वतंत्रता है उसको प्रमोट किया है फिर यहाँ पे देखो बताया जा रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट में इसने जो सामंती मनोवृत्ति है उसको हतोत्साहित किया है और असमानता स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के तत्वों को स्थापित किया है फिर बोला जाएगा इसने भारत में शिक्षा के स्तर एवं साक्षरता दर में वृद्धि की है जैसे देखो उन्नीस में अगर हमारे यहाँ अठारह जो की साक्षरता दर थी तो दो में अगर मैं कह नहीं तो सेवेंटी या सेवेंटी जो की साक्षरता दर अब तक हो चुकी है यानी ये किसके कारण हुआ है लोकतंत्र के कारण ही हुआ है फिर साथ ही बोल रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो धर्मनिरपेक्षता मूल्य को प्रसारित किया गया है जिसके कारण जो देखो जो आपके रूढ़ीवादी तत्व रहे ना वो कमजोर हुए है। इससे सामाजिक संस्थाओं का काफी विकास भी हुआ है फिर देखो इसके और प्रकार में बताया जा रहा है कि आज पंचायती राज की स्थापना के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया जमीनी स्तर तक पहुंच गई है और भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वयं को बनाए रखने में सफल रहा है तो ये इसके कुछ प्रकार बताया कि किस तरह से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को विकास में जो कि लाभ दिया है अब इसके देखो कुछ दुष्प्रकार भी है बोले बोला जा रहा है कि ये जो उपलब्धियाँ ये अभी पर्याप्त नहीं है अभी भी भारतीय लोकतंत्र हमको जो जो कि कमजोर दिखाई देता है वो कैसे वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको देखने से पहले एक रिपोर्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स उसको हम देख लेते हैं ये देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालती है तो उन्होंने देखो 2020 का इंडेक्स निकाला था जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी आ रही है फिफ्टी थर्ड पोजिशन भारत की आ रही है अब भारत का स्कोर देखोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे आप देखो सिक्स टू सेवन के बीच में भारत का स्कोर है राइट ये आप कलर देखो इससे हिसाब पे आपको समझ आएगा देखो भारत यहाँ पर है यानी टेन में से सिक्स टू सेवन के बीच में भारत को जो कि नंबर वगैरह मिले हैं और इसका रैंकिंग अभी देखो कितना फिफ्टी थर्ड पोजिशन है अब ये बताया जाएगा जो आपका दो में भारत की रैंकिंग है लगभग दो से देखते जाओगे तो दो हज़ार अठारह में जो कि भारत की रैंकिंग लगातार डेमोक्रेसी इंडेक्स में गिरती डाउनवर्ड होती जा रही है अब इसको हम समझते पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं ऐसे इस तरह से देखो जो यहाँ बताया जितना रेड होता जाता है वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत कम है बहुत कम है थ्री यानी स्कोर का आधार बताया जा रहा है और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी देखो जो एकदम डार्क ब्लू कलर है वो है लाइट ब्लू कलर में वहाँ पर कम है अब भारत देखो फ्लॉड डेमोक्रेसी में आता है ना कि फुल डेमोक्रेसी में नहीं आता है भारत जो कि फ्लॉड डेमोक्रेसी में आता है ऐसी डेमोक्रेसी में देखो यूएसए भी आता है आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्री ये भी आते हैं आपका फ्लॉड डेमोक्रेसी में मतलब मैक्सिमम कंट्री किस में आते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी में ही आते हैं फिर यहाँ पर देखो हाइब्रिड रीजन में भी आपका है जैसे पाकिस्तान देखो हाइब्रिड रीजन में आता है ठीक है इसका स्कोर देखो चार से पाँच पॉइंट के आसपास है इस तरह की बात कहते हैं है फिर देखोट ऑथिटेरियन रीजन भी आती है यानी जहां पे राजशाही वगैरह होती है जैसे आप अफ्रीकन कंट्री देख लो मिडिल ईस्ट कंट्री देख लो तो ये सभी किस में आएंगे ऑथिटेरियन में आएंगे तो यहाँ इसी आधार पर आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगा जैसे यहाँ पे देखो जो फुल डेमोक्रेसी है ना जो आपका जैसे नॉर्वे वगैरह कंट्री है ये नॉर्वे स्वीडन यानी जो डेवलप्ड हाई डेवलप्ड कंट्री वगैरह वो और यहाँ पर देखो फुल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा साथ ही कनाडा में भी आप देखो फुल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा और आप देखो आपका जो फुल डेमोक्रेसी ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है आ, लेकिन इंडिया में, इंडिया किस में फ्लॉड डेमोक्रेसी में और इंडोनेशिया वगैरह ये भी कंट्री भी फ्लॉड डेमोक्रेसी में है अफ्रीकन कंट्री देखो मैक्सिमम देखो ऑथिटेरियन वगैरह में ही है और आपका देखो चाइना भी किस में ऑथिटेरियन में क्योंकि यहाँ पे वगैरह चलती है मतलब एक ही दल का यहाँ पे वर्चस्व चलता है तो इस तरह की बात यहाँ पे दिखाई जा रही है बताई जा रही है राइट अब यहाँ पर समझते हैं कि जो भारत की डेमोक्रेसी में देखोगे अभी कितना पोजीशन जैसे आप देखो 2020 की रैंकिंग के साथ बताएं क्या इतना दो हज़ार में कितना है फिफ्टी थर्ड पोजिशन है लेकिन हम बात करें कि भारत की पोजीशन लगातार गिरती जा रही है चलो वो भी देखते हैं अभी देखो यहाँ से आपको समझ समझाया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने उन, उन, उन अपनी रिपोर्ट में बताया था दो में देखोगे तो भारत की रैंकिंग कितनी थी फोर्टी थी ठीक है दो हज़ार एक सेकेंड दो में देखोगे तो भारत की रैंकिंग कितनी थी 41 थी 2019 में 10 पॉइंट हम जो कि गिर गए हमारी डेमोक्रेसी में काफी ज्यादा जो कि गिरावट देखने को मिली तो फि फिफ्टी वन हो गई और दो में भी और भी हम दो पॉइंट और गिर गए तो यानी स्लिप हो, हो गए रैंकिंग में फिफ्टी हो गई यानी दो हज़ार अठारह में देखो लगातार हमारे यहाँ देश की डेमोक्रेसी वगैरह गिरती जा रही है यानी लोकतंत्र प्रक्रिया यहाँ पर कमजोर होती दिखाई दे रही है ऐसा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया जा रहा है ठीक है चलते अपने बुक के ऊपर बुक पर तो हमने देखा अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये आप याद रखना ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालती है पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप, आप इस तरह के जो आपका मेंस में या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शन में जब जब भी डेमोक्रेसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इस रिपोर्ट को जो मैंशन कीजिएगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप देखते हैं कि लोकतंत्र कैसे कमजोर दिखाई दे रहा है हमारे देश में तो यहाँ देखो बताया जा रहा है कि आज आज भी देखो कि भारत में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का यथोचित प्रचार नहीं हो पाया है पर इसके परिणाम से क्या होता है सभी क्षेत्रों में असमानता हमको देखने को मिल रहा है अब जब असमानता देखने को मिला तो अवश्य लोकतंत्र

अशिक्षा तथा बेरोजगारी जैसे समस्याएं स्वयं भी लोक कल्याणकारी व लोकतंत्रात्मक शासन की असफलता की कहानी ब्याह करते हैं यानी कि भारत को अभी भी बहुत गरीबी है अशिक्षा बेरोजगारी है तो ये क्या बता रहे कि लोकतंत्र की असफलता को एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं फिर साथ ही बोला जाए कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है इसके बावजूद भारत में देखो धार्मिक रुरीवाधिता और धार्मिक संप्रदायों के बीच में कटुता व तनावपूर्ण स्थितियों को स्थितियाँ अभी भी समाप्त नहीं हो पाई हैं अभी भी ये देखो बनी हुई हैं भारतीय समाज में तो ये भी एक तरह से भारत भारतीय लोकतंत्र की सफलता की बात बताता है साथ ही भारत में देखो जातिवाद क्षेत्रवाद भाषावाद जैसी कई सम, गंभीर समस्याएं जो कि विद्यमान है जिसके कारण देखो खूनी संघर्ष भी देखने को मिलते हैं जो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को ही दर्शाते हैं राइट यही बोला कि लोकतंत्र इन समस्या को सुलझाने में पूर्ण सफल नहीं हो पाया यहीं पे आपका ये टॉपिक लोकतंत्र वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है ठीक है और भी कुछ आपके करंट का कोई न्यूज़ वगैरह आएगा तो वहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा ये एक मतलब एक तरह से समरी वगैरह था आपका क्या प्रॉब्लम है क्या समस्याएँ हैं कि, कितना सफल है कितना नहीं सफल है इस तरह की बातें हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी में देखा मिलते हैं कल अगले ले, 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 क्लास के साथ धन्यवाद दोस्तों